तो स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं या कहीं भी आप फोटो को आप यूज़ करते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का, और वहाँ पे एक लिमिट बताई गई होती है कि एक इतनी साइज़ की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, लाइक 500 KB या 50 KB या 100 KB या 20 KB। तो उस आपका जो इमेज का साइज़ है, पासपोर्ट फ़ोटो का साइज़ है, वो ज़्यादा होता है, MBs में होता है। तो आप कैसे उसको MBs से KBs में लेके आ सकते हैं और उसको वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, रिड्यूस इमेज साइज़ यहाँ पे लिखेंगे तो क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में एक वेबसाइट आएगी, reduceimagesize.com। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन मांगेगा, तो फाइल्स पे जाके अपनी जो फ़ोटो है उसको क्लिक कर लेना है। लाइक मेरे पास एग्जांपल के तौर पर ये फ़ोटो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। इसका साइज़ तो वैसे कम है, 17 KB है, 68 KB है। तो इसका जो साइज़ है बिल्कुल ही कम करके दिखाता हूँ आपको। आपका कितने भी MBs में क्यों ना हो, आपको फ़ोटो ऐसी सेलेक्ट कर लेनी है और आपका जो साइज़ है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। मैं बताने वाला हूँ कैसे होगा, तो वो KBs में आ जाएगा। आप ऐसे मत सोचिए कि ये KB में है तो KB में रहेगी, आपका जो MBs में तो भी वे KBs में आ सकता है। तो क्या करना है आपको, नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो साइज़ का JPG यहाँ पे क्वालिटी है, यहाँ पे आपको 80% कर देनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर 80% कीजिए, आपकी जो क्वालिटी है, इमेज की क्वालिटी कम नहीं होगी लेकिन वो वैसे ही रहेगी, लेकिन उसका साइज़ है वो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 68 KB कीजिए इमेज है तो कितने की हो जाएगी 80% करने के बाद। रीसाइज़ पे क्लिक कर देना है आपको। रीसाइज़ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए 7.8 KB की रह गई है, 68 KB से 7 KB की ये फाइल रह गई है। तो आपकी जो MBs है वो कम होकर KBs में आ जाएगी और ऐसे आप अपना जो इमेज साइज़ है वो रिड्यूस कर सकते हैं। और तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।